हक है अल्लाह, सच है वल्लाह। हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, उसी के आगे सर झुकाते हैं, और हमारा ईमान ही हमारी ताकत है, इसीलिए दुश्मन खौफ खाता है हमसे। मैं हर भी जाऊंगा अगर तो मकसद जिंदा रहेगा, ये मकसद रज़ाए इलाही है जो हजारों सालों से है और कयामत तक कायम रहेगा। हम किसके लिए जी रहे हैं आखिर, हम किसके लिए लड़ रहे हैं, किसके लिए शहीद होते हैं? दुनिया में जहां हम अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकते, वहां आखिर क्या मकसद है हमारी मुसलसल जिद्दोजहद का? सोचे, हम रजाए इलाही को निजामे आलम में राइज करने के लिए बरसरे फैकार हैं। जब तक हम आसमान की वुसअतों अपने घोड़ों के साथ उबूर न कर लें और जमीन के तूलो अर्ज में अल्लाह के इंसाफ के परचम को सरबुलंद न कर लें, हम रुकने वाले नहीं हैं। हमारा रास्ता हमें सात समंदरों और दरियाओं तक ले जाए, ये रास्ता हमें हमारी सबसे मोतबर मंजिल किज़िलमा की तरफ ले जाए। हमारा काम अल्लाह के अजीम निजाम को इस जहान में कायम करना है। जब तक हम जिंदा रहेंगे इसी तरह कदम बढ़ाते रहेंगे, इलाही निजाम को महफूज और अल्लाह के इंसाफ को इस दुनिया में फैला देंगे। कोई कहेगा कि ताकत काफी नहीं तो कहेंगे कि ईमान ताकत, जो कहेगा कि अक्ल काफी नहीं तो कहेंगे कि कोशिश काफी, जो कहेगा कि तुम्हारी जिंदगी काफी नहीं तो कहेंगे कि तारीख काफी है। कोई कहे कि ये जहान तुम्हारा नहीं तो कहेंगे अल्लाह काफी है हमारे। इलाही निजामे आलम, बिल्लाही निजामे आलम।